हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भावर। आज के इस वीडियो में हम भूगोल से कंप्लीट करेंगे भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। वीडियो को देखकर जरूर जाइएगा। आज के इस वीडियो में हमने 40 इंपॉर्टेंट MCQs कवर किए हैं। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं। लास्ट में एक क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आपको इसका रिवीजन करने के लिए PDF भी मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, पलामू अभयारण्य किस राज्य में है? किस राज्य में है? इसे बेतला अभयारण्य भी कहते हैं। यह झारखंड राज्य में है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी वाला। साथ में हम यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट भी कवर करेंगे। किस अभयारण्य में कौन कौन से प्रमुख वन्य जीव प्राणी हैं? हाथी, हिरण, तेंदुआ, सांभर, जंगली सुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालमा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए वाला, झारखंड। झारखंड राज्य में है दालमा वन्य जीव अभयारण्य। इस वन्य जीव अभयारण्य में कौन कौन से प्रमुख वन्य जीव प्राणी हैं? देखिएगा, हाथी, तेंदुआ, हिरण, भालू, जंगली सुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी वाला, झारखंड। झारखंड राज्य का प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य है हजारीबाग। इस वन्य जीव अभयारण्य में कौन कौन से प्राणी रहते हैं? जो प्रमुख प्राणी है वह है भालू, तेंदुआ, चीतल, सांभर, जंगली सुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमूर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? बताइए, केमूर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? क्या होगा इसमें से करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी वाला करेक्ट है, बिहार। बिहार राज्य में है केमूर वन्य जीव अभयारण्य। इस वन्य जीव अभयारण्य में कौन कौन से प्रमुख प्राणी हैं? बाघ, नीलगाय, घड़ियाल, सांभर और तेंदुआ। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है बताइए? यह है गुजरात राज्य में। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी वाला, गुजरात राज्य में है गिर राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर जो प्रमुख वन्यजीव प्राणी है वह है शेर, सांभर, तेंदुआ, जंगली सुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नल सरोवर अभयारण्य किस राज्य में है? नल सरोवर अभयारण्य, याद रखिएगा, यह भी गुजरात राज्य का प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है। दोनों याद रखिएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान और नल सरोवर अभयारण्य। नल सरोवर, नल से आप समझ जाइएगा पानी जैसा कुछ है। तो यहाँ पर पक्षी हैं, यहाँ पर जो प्रमुख वन्यजीव प्राणी है वह कौन है? जल पक्षी हैं, दूर दूर से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह है उत्तराखंड राज्य में। याद रखिएगा, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में। और इसमें पाए जाने वाले प्रमुख वन्यजीव प्राणी कौन कौन से हैं? हाथी, बाघ, चीता, हिरण, भालू, नीलगाय, सांभर और जंगली सुअर। देखिए, इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हम कवर करेंगे कि यह भारत देश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में है। याद रखिएगा, इसका पुराना नाम भी याद रखिएगा, पुराना नाम जो था वह था हेली नेशनल पार्क था, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी, यह भी याद रखिएगा। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। और जिम कार्बेट पार्क से रामगंगा नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किस राज्य में स्थित है बताइए? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, यह है उत्तर प्रदेश में। करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी वाला, उत्तर प्रदेश राज्य का है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इसमें पाए जाने वाले प्रमुख वन्यजीव प्राणी हैं बाघ, सांभर, नीलगाय, तेंदुआ और हिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? चंद्रप्रभा अभयारण्य उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इसमें पाए जाने वाले प्रमुख वन्यजीव प्राणी हैं भालू, नीलगाय, तेंदुआ, सांभर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए वाला, कर्नाटक राज्य में है। और इसमें पाए जाने वाले प्रमुख वन्यजीव प्राणी हैं हाथी, तेंदुआ, हिरण, चीतल और सांभर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भद्रा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा, चंद्रप्रभा अलग है और भद्रा दोनों अलग अलग है ना। चंद्रप्रभा अभयारण्य
उत्तर प्रदेश में है, और भद्रा अभ्यारण्य है यह कर्नाटक राज्य में है। यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख वन्यजीव प्राणी हैं भालू, हाथी, सांभर, तेंदुआ, हिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमेश्वर अभ्यारण्य किस राज्य में है, किस राज्य में है या फिर किस राज्य में स्थित है, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। सोमेश्वर अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य में है, याद रखिएगा। और यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख वन्य जीव प्राणी हैं जंगली कुत्ता, हिरण, तेंदुआ, सांभर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तुंगभद्रा अभ्यारण्य किस राज्य में है, तुंगभद्रा अभ्यारण्य यह है कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य का प्रमुख अभ्यारण्य कौन सा है, तुंगभद्रा अभ्यारण्य। प्रमुख वन्य जीव प्राणी, प्रमुख वन्य जीव प्राणी कौन कौन से यहाँ पर प्राणी, वन्य जीव प्राणी आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो प्रमुख है वह है तेंदुआ, चीतल, काला हिरण, चौसिंगा एवं पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। पाखाल वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, पाखाल वन्य जीव अभ्यारण्य है तेलंगाना राज्य में। इसमें पाए जाने वाले प्रमुख वन्य जीव प्राणी है तेंदुआ, सांभर, भालू, जंगली सुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कावला वन्य जीव अभ्यारण किस राज्य में है, कावला वन्य जीव अभ्यारण किस राज्य में है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी वाला, तेलंगाना राज्य में है। और कौन कौन से प्रमुख वन्य जीव प्राणी है इसमें, तेंदुआ, सांभर, भालू, जंगली सुअर और चीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, बताइए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए वाला, असम। असम राज्य में स्थित है मानस राष्ट्रीय उद्यान। यहां पर पाए जाने वाले प्रमुख वन्य जीव प्राणी है हाथी, भालू, एक सिंह वाला गैंडा, लंगूर और हिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी वाला, असम राज्य में। दोनों याद रखिएगा, असम राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है मानस और काजीरंगा। काजीरंगा क्यों फेमस है, एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है। और यहाँ पर और भी प्रमुख वन्यजीव प्राणी है जैसे जंगली सुअर और भैंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाना पक्षी विहार किस राज्य में है, घाना पक्षी विहार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, यह है राजस्थान राज्य में, याद रखिएगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घाना पक्षी विहार यह किस राज्य में है, राजस्थान राज्य में है। और यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख वन्य जीव प्राणी है सांभर, काला हिरण, जंगली सुअर, मुर्गा, घड़ियाल और साइबेरियन क्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर अभ्यारण किस राज्य में स्थित है, करेक्ट आंसर होगा इसका राजस्थान, याद रखिएगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। राजस्थान राज्य के जो महत्वपूर्ण अभ्यारण है वह है रणथंभौर और घाना पक्षी विहार। और एक और अभी आगे आएगा, देखिए प्रमुख वन्यजीव प्राणी कौन कौन से हैं इसमें, रणथंभौर में फेमस है बाघ, शेर, तेंदुआ, लकड़बग्घा, भालू, नीलगाय और सांभर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ अभ्यारण किस राज्य में स्थित है, कुंभलगढ़, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वाला, राजस्थान राज्य में। देखिए राजस्थान राज्य के अभी हमने कौन कौन से प्रमुख अभ्यारण्य देखे हैं, एक है घाना पक्षी विहार, रणथंभौर अभ्यारण और कुंभलगढ़ अभ्यारण, तीनों याद रखिएगा। यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख वन्यजीव प्राणी कौन कौन से हैं, नीलगाय, सांभर, भालू, जंगली सुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, बताइए किस राज्य में स्थित है, यह है मध्य प्रदेश राज्य में, लेकिन इसकी कुछ सीमा महाराष्ट्र से भी टच होती है ना, यह भी याद रखिएगा। तो यह आता है मध्य प्रदेश राज्य में पेंच राष्ट्रीय उद्यान। इसमें पाए जाने वाले प्रमुख वन्यजीव प्राणी हैं तेंदुआ, सांभर, चौसिंगा, जंगली सुअर और चीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंसा अभ्यारण्य किस राज्य में है, तंसा अभ्यारण किस राज्य में है, यह महाराष्ट्र राज्य में है। यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख वन्यजीव प्राणी है तेंदुआ, सांभर, चौसिंगा, जंगली सुअर, चीतल, पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोरीविली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, वोरीविली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य का राष्ट्रीय उद्यान है वोरीविली। यहाँ पर पाए जाने वन्य जीव प्राणी कौन कौन से हैं, लंगूर, हिरण, सांभर, तेंदुआ, जंगली सुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबोहर अभ्यारण्य किस राज्य में है,
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। पंजाब राज्य में है अबोहर अभयारण्य। प्रमुख वन्य जीव प्राणी कौन कौन से हैं यहाँ पर? जंगली सुअर, हिरण, नील गाय, काला हंस, कबूतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चिल्का अभयारण्य किस राज्य में है? चिल्का अभयारण्य काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह है ओडिशा राज्य में। याद रखिएगा किस राज्य में है चिल्का अभयारण्य? ओडिशा राज्य में है। और यहाँ पर प्रमुख वन्य जीव प्राणी है क्रेन, जल कौवा, पेलीवन, प्रवासी पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमलीपाल अभयारण्य किस राज्य में है? सिमलीपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी वाला, ओडिशा राज्य में है सिमलीपाल अभयारण्य। यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख वन्य जीव प्राणी हैं हाथी, बाघ, तेंदुआ, सांभर, हिरण और मगरमच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांतगल अभयारण्य किस राज्य में है? वेदांतगल अभयारण्य है तमिलनाडु राज्य में। यहाँ पर जो प्रमुख वन्य जीव प्राणी है वो सब जलीय पक्षी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी अभयारण्य किस राज्य में है? इंदिरा गांधी अभयारण्य है तमिलनाडु राज्य में। याद रखिएगा यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख वन्य जीव प्राणी है हाथी, बाघ, चीतल, तेंदुआ, सांभर, रिछ, भालू, जंगली कुत्ता और लंगूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदुमलई अभयारण्य किस राज्य में है? मुदुमलई अभयारण्य है तमिलनाडु राज्य में। यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख वन्य प्राणी कौन कौन से हैं? वन्य जीव प्राणी हाथी, तेंदुआ, सांभर, हिरण, जंगली कुत्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, डाल्फा अभयारण्य किस राज्य में है? डाल्फा अभयारण्य किस राज्य में है? मिजोरम राज्य में है। यहाँ पर पाए जाने वाले जो प्रमुख वन्य जीव प्राणी है वह है कोबरा, बिल्ली, फिजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार अभयारण्य किस राज्य में है? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें से, ऑप्शन बी वाला, केरल राज्य में है पेरियार अभयारण्य। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, जो प्रमुख वन्य जीव प्राणी है यहाँ पर हाथी, तेंदुआ, सांभर, हिरण, भालू, नीलगाय और जंगली सुअर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराम्बिकुलम अभयारण्य किस राज्य में है? पराम्बिकुलम अभयारण्य है केरल राज्य में। यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख वन्य जीव प्राणी हैं हाथी, सांभर, नीलगाय, जंगली सुअर, हिरण और तेंदुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करेक्ट आंसर आप बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, मध्य प्रदेश राज्य में है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख वन्य जीव प्राणी है बाघ, चीतल, तेंदुआ, सांभर और बारहसिंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमणि अभयारण्य किस राज्य में है? पंचमणि अभयारण्य है मध्य प्रदेश राज्य में। प्रमुख वन्य जीव प्राणी कौन कौन से हैं यहाँ पर? याद रखिएगा बाघ, तेंदुआ, सांभर, नीलगाय, चीतल, हिरण, भालू, जंगली भैंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर राज्य में। और यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख वन्य जीव प्राणी कौन कौन से हैं? तेंदुआ, काला भालू, लाल भालू, हिरण और इंगुल। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? किस्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जो है यह जम्मू कश्मीर राज्य में है। यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख वन्य जीव प्राणी कौन कौन से हैं? काला हिरण, जंगली याक, तिब्बती गधा और पहाड़ी तेंदुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट है, यह है मध्य प्रदेश राज्य में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख वन्य जीव प्राणी है बाघ, तेंदुआ, सांभर, भालू, नीलगाय, सुअर, तित्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक राज्य में। और यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख वन्य जीव प्राणी हैं हाथी, तेंदुआ, सांभर, भालू, चकोर और तीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पखुई वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? किस राज्य में है? यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में है पखुई वन्य जीव अभयारण्य। यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख वन्य जीव प्राणी हैं हाथी, हिरण, अजगर और सांभर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तानपुर झील अभयारण्य किस राज्य में है? बताइए, सुल्तानपुर झील अभयारण्य है
हरियाणा राज्य में। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी वाला, हरियाणा राज्य में है। यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख वन्य जीव प्राणी हैं विभिन्न जल पक्षी। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जल पक्षी आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ये एक तरह की झील है। सुल्तानपुर झील अभयारण्य कहाँ पर है, याद रखेगा, हरियाणा राज्य में है। और फेमस क्यों है? विभिन्न जल पक्षियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, बताइए। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान है हिमाचल प्रदेश में। और यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख वन्य जीव प्राणी हैं कस्तूरी हिरण, भूरा भालू, पहाड़ी मुर्गा और पहाड़ी तेंदुआ के लिए यह फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है यह पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। और यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख वन्य जीव प्राणी हैं बाघ, हिरण, मगरमच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर उद्यान किस राज्य में है। किस राज्य में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, गोवा राज्य में है भगवान महावीर उद्यान। यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख वन्य जीव प्राणी हैं हिरण, चूहा, साही, सांबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोंगर वाइलेम अभयारण्य किस राज्य में है। नोंगर वाइलेम अभयारण्य जो है यह मेघालय राज्य में है। और प्रमुख वन्य जीव प्राणी है यहाँ पर हाथी, बाघ, हिरण, सांबर और भालू। लास्ट वाला क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। देखिए क्वेश्चन है, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। और इसके बारे में थोड़ा सा और आप डिटेल में भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है किबुल लामजाओ। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है यह किस राज्य में है, भारत देश के किस राज्य में है, आपको कमेंट करके बताना है। साथ में एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है, तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। रेड कलर में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, आप वहाँ पर प्रेस कीजिएगा। और जब आपको एक बेल नोटिफिकेशन आइकन दिखेगा साइड में, उस पर आप ऑल प्रेस ज़रूर कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। आज की वीडियो में इतना ही। रिविज़न करने के लिए आपको इसका PDF भी मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं।